दोस्तों आज आइए, मैं आप लोग को एक नज़ारा दिखाना जा रहा हूँ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इस ठंडी का जो नज़ारा देख रहे हैं आप, इस ठंडी का किसानों पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए दिखाते हैं। एक मैं आज आपको टमाटर का खेत दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं ठंडी के कारण ये सारा जो किसान का पूरा टमाटर सड़ चुका है। ये देख सकते हैं आप, सारा ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। आप देखिए ये पूरा खेत और आइए आपको दिखाते हैं सड़े हुए टमाटर। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा पौधा सड़ चुका है, पूरा टमाटर यहाँ पे सड़ चुका है। ये देख सकते हैं आप, पूरा टमाटर यहाँ पे जो खेत का मालिक है, आइए जरा उनसे भी बातचीत करते हैं, पता करते हैं क्या हुआ है। तो भाई साहब, ये खेत आप ही का है? हाँ तो ये कैसे क्या हो गया है? सारा सड़ गया। पूरा मेहनत बेकार ही हुआ। अच्छा, तो ये खेत के मालिक साहब समझ सकते हैं इनका दुख। इतनी मेहनत और मुश्किलों के बाद जब पौधे में फल आता है और ठंडी के कारण ये फल सड़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी दुख कितनी बड़ी है। और इन्हीं के जरिए इनका रोजी रोटी भी चलता है, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, और वही सब सड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये देखिए आप, पूरा का पूरा सड़ गया है ये पौधा। सारे देखिए आप, ऐसा कोई पौधा बचा नहीं है कि जो सही होगा, सब सड़ चुका है। ये देख सकते हैं आप, सारा जो टमाटर है वो खराब हो चुका है, साथ में ये पौधा भी खराब हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा गुच्छा ही खराब हो गया। ये देखिए आप, कोई सा भी ऐसा पौधा आपको नहीं दिख रहा होगा जो सही बचा होगा। ये देखिए आप, पूरा का पूरा पौधा खराब हो चुका है, सारे टमाटर ये देखिए आप खराब हो गया है। ये ऐसा कोई टमाटर ही नहीं है जो पकेगा, इसमें से सारा सड़ चुका है ये। अब मैं आपको बता दूं, ये सब्जियां सिर्फ आप तक ही महंगाई में पहुंचता है, लेकिन यहाँ खेत में तो जितने रेट में आप खरीदते हैं उससे आधे से भी कम में खरीदा जाता है। तो ये हाल है हमारे किसानों का। मेहनत तो पूरा किसान करते हैं, लेकिन मेहनत का पूरा जो फल है वो किसानों को नहीं मिलता। ये देखिए आप, पूरा सड़ चुका है ये पूरा का पूरा पौधा। ये देखिए आप, जहाँ तक आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे सड़े हुए हैं। ये देखिए आप, दूर दूर तक भी आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा खेत सड़ चुका है।